कोचिंग जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग हिंदी के प्रथम कहानी के विषय में बात करेंगे किस विद्वान ने किस कहानी को पहली कहानी कहा है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है खासकर टी जी टी पी जी टी नेट जे आर एफ आदि परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए ज़रूर इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा चलिए देखते हैं कौन सी कहानी किस विद्वान के हिसाब से पहली कहानी है तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो इंदुमती की बात करेंगे इंदुमती इंदुमती उन्नीस सौ ईस्वी में लिखी गई थी उन्नीस सौ ईस्वी में और इसको किसने लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी ठीक है और इसको पहली कहानी किसने माना है तो इसको पहली कहानी आचार्य शुक्ल जी ने माना है ठीक है ना रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको पहली कहानी माना है यह ध्यान देना है आपको ठीक है ना और अब दूसरी जो रचना है उसकी बात कर लें किसके हिसाब से हम लोग बच्चन सिंह के हिसाब से पहली कहानी कौन सी है इसको देख लेते हैं तो बच्चन सिंह ने पहली कहानी प्रणयनी परिणय को माना है प्रणयनी परिणय ठीक है और इस कहानी का रचना वर्ष कौन सा है इस कहानी को अट्ठारह में लिखा गया था ठीक है ना अठारह सौ सतासी ईस्वी में इस कहानी को लिखा गया था और किसने लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने ही इस कहानी को लिखा था और इसको पहली कहानी किसने माना है बच्चन सिंह ने माना है ठीक है ना बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है आपको पता ही है वो कौन सी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो भी आपको पता है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है ठीक है ना तो ये बातें हो गई अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इंदुमती किसके अनुसार पहली कहानी है तो वो किसके अनुसार है शुक्ल जी के अनुसार है और ये किसकी रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सन उन्नीस में इसको लिखा गया था इसी तरह से परिणयनी परिणय के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं अब जो तीसरी कहानी है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं किसके हिसाब से यह है हम लोग यहाँ पर राजेंद्र बड़वालिया के हिसाब से देखते हैं तीसरी कहानी जो जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है जमींदार का दृष्टांत जमींदार का दृष्टांत देखिए जमींदार का दृष्टांत जो है ना एक तरह से कृष्ण धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई कहानी है इसलिए बहुत सारे विद्वान इसको कहानी मानते भी नहीं है ठीक है ना तो रेवरेंड जे न्यूटन ने इसको लिखा है जो है इसका रचनाकाल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं इकहत्तर है ठीक है ना अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी है इसको लिखा है रेवरेंड जे न्यूटन रेवरेंड जे न्यूटन ठीक है ना ये आपको याद रखना नहीं है बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप यहां से इसका उत्तर दे सकते हैं और इसको पहली कहानी किसने माना है राजेंद्र बढ़वालिया राजेंद्र बढ़वालिया ठीक है ना बहुत आसान है आप इसको इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी यहां पर पहली कहानी की बात हो रही है तो हमें इसको देखना ही था देखिए कभी कभी भ्रम इस बात से हो जाता है ना कि यहाँ पर 1900 है ये तो सबसे बाद में आता है अट्ठारह उससे पहले की बात हो रही है अट्ठारह तो उससे पहले की बात हो रही है तो अट्ठारह की जो कहानी है उसको पहली कहानी मान लेना चाहिए लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है विद्वान क्या कहते हैं ना कि इन कहानियों पर किसी न किसी कहानी का जो है प्रभाव रहा है ये मौलिक नहीं है ये मूल रूप से किसी एक विद्वान की एक रचनाकार की उपज नहीं है ठीक है ना किसी ना किसी कहानी से प्रभावित होकर लिखी गई कहानी है ठीक है ना मतलब शब्द इनके हैं भाव कहीं और से लिए गए हैं इस वजह से उसको पहली कहानी नहीं माना जाता है तो इन सभी कहानियों में ऐसी ही बातें हैं ठीक है ना इसलिए इनको सर्वमान्य रूप से हम लोग पहली कहानी नहीं मानते हैं पहली कहानी किसको मानते हैं उसको अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर हम लोग किसको देखेंगे जो पहली कहानी सर्वमान्य है उसको देख लेते हैं ठीक है ना तो टोकरी भर मिट्टी ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है ये तो किसी ना किसी परीक्षा में पूछी ही जाती है तो टोकरी भर मिट्टी ठीक है ना इसका जो रचना काल है वो क्या है 1901 है 1901 इसका रचना काल है और इसको लिखा किसने है माधव राव सप्रे ने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है ना माधव राव सपरे ठीक है ना और इसको पहली कहानी किसने माना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है ना ऐसे पूछा जाता है देवी प्रसाद वर्मा ने माना है देवी प्रसाद वर्मा देखिए आप कहानी के सन को भी याद करते हुए चलिएगा क्योंकि कहानी का सन आपसे पूछ लिया जाता है नेट की परीक्षा में ठीक है ना यूजीसी नेट की जब आप परीक्षा देते हैं तो आपसे सन पूछ लिया जाता है क्रम में अरेंज करने के प्रश्न आते हैं इसलिए सन आपको याद रहना चाहिए ठीक है ना माधवराव सप्रे की रचना है कौन सी टोकरी भर मिट्टी उन्नीस की रचना है इसको देवी प्रसाद वर्मा ने माना है ये आपको याद रहना चाहिए अब हम लोग पांचवें नंबर पर जिस रचना को देखने जा रहे हैं वो शुक्ल जी की रचना है ग्यारह वर्ष का समय उन्नीस में इसको लिखा गया था लक्ष्मी नारायण लाल ने इसको जो है पहली कहानी माना है ठीक है ना तो कौन सी रचना है ग्यारह वर्ष का ग्यारह वर्ष एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिनट ग्यारह वर्ष का समय ग्यारह वर्ष का समय यह कब की रचना है 1903 की रचना है 1903 की रचना है यह ठीक है ना और यह किसकी रचना है शुक्ल जी की रचना है शुक्ल जी की रचना है ठीक है।, है ना और इसको पहली कहानी किसने माना है इसको पहली कहानी माना है लक्ष्मी नारायण वर्मा ने ठीक है ना एक मिनट लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है ठीक है ना लाल ने इसको पहली कहानी माना है ठीक है ना ये किसकी रचना है शुक्ल जी की रचना है ध्यान रहे कि शुक्ल जी ने पहली कहानी किसको माना है इंदुमती को माना है किसकी रचना है किशोरीलाल कि गोस्वामी की रचना है ठीक है ना और कब की है 1900 सौ ईस्वी की है और शुक्ल जी की रचना 11 वर्ष का समय है और 1903 की है इसको पहली कहानी माना है लक्ष्मी नारायण लाल ने ठीक है ना ये आपसे अब कभी नहीं भूलेगा ठीक है ना अब जो छठी कहानी है ना मतलब छठे नंबर पे जो हमको देखना है वो देखना है राजेंद्र यादव के हिसाब से पहली कहानी कौन सी है तो उसने कहा था उसने कहा था 1915 की रचना है बहुत महत्वपूर्ण है इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा 1915 की रचना है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगर प्रथम कहानी के रूप में ना भी पूछा जाए तो आपसे ये पूछ लिया जाता है रचनाकार या फिर रचनाकाल के हिसाब से ठीक है ना कि उसने कहा था कहानी को किसने लिखा है या फिर उसने कहा था कहानी का रचनाकाल क्या है तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है ना तो इसके जो प्रस्तोता हैं वो कौन है डॉक्टर राजेंद्र यादव है डॉक्टर राजेंद्र यादव डॉक्टर राजेंद्र यादव के विषय में आपको कुछ बातें पता होंगी कि डॉक्टर राजेंद्र यादव प्रसिद्ध साहित्यकार मनु भंडारी के पति हैं और इनका खैर स्वर्गवास हो चुका है इन्होंने अपने स्वर्गवास के पहले तक हंस पत्रिका का संपादन किया है हंस पत्रिका का जो है सबसे पहले शुरुआत किसने किया था ये भी आपको पता हो गांधी जी के कहने पर प्रेमचंद जी ने इसकी शुरुआत की थी ठीक है ना इसका संपादन सबसे पहले किसने किया था गांधी जी ने जो है प्रेमचंद जी ने किया था और मुंशी मणिकलाल वर्मा ने किया था ठीक है ना इन दोनों लोगों ने मिलकर के माणिकलाल वर्मा और जो है प्रेमचंद जी ने इसका जो है संपादन किया था इस वजह से मुंशी जो माणिकलाल वर्मा थे इनके नाम के आगे जो मुंशी शब्द है ना ये बाद में प्रेमचंद जी के नाम के आगे लग गया इस वजह से प्रेमचंद का को किस नाम से जानते हैं हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो वो बात की बा, वो अलग बातें हैं खैर हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया ठीक है ना तो डॉक्टर राजेंद्र यादव के हिसाब से उसने कहा था कहानी जो है 1915 की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है यह पहली कहानी है ठीक है ना ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए थी पहली कहानी के विषय में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण था वो देख लिया कुछ और पहली कहानी का जिक्र हुआ है तो हम लोग जान लेते हैं ठीक है ना तो हिंदी की पहली कहानी जो वैज्ञानिक कहानी है हम लोग यहाँ पर क करके क और खा करके जान लें क्योंकि एक दो हमने वहाँ पर किया है प्रथम वैज्ञानिक कहानी वैज्ञानिक कहानी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रथम वैज्ञानिक कहानी यह कौन सी है चंद्रलोक की यात्रा चंद्रलोक की यात्रा ये विज्ञान की कहानी है प्रथम वैज्ञानिक कहानी इसको कही जाती है चंद्रलोक की यात्रा और ये कब की है सन 1900 की है सन उन्नीस सौ ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था ठीक है ना और यह किसकी रचना है यह रचना जो है यह जो है केशव प्रसाद सिंह की है एक मिनट कहाँ लिखूँ? लिखूं ये ऐसे ही लिख देता हूं ठीक है ना केशव प्रसाद सिंह ठीक है ना यह जो है प्रथम वैज्ञानिक कहानी कही जाती है ठीक है ना मतलब यहां पर विज्ञान की बातें की गई हैं इस कहानी में अब जो हम दूसरे नंबर पर देख लेंगे प्रथम ऐतिहासिक कहानी किसको कही जाती है प्रथम ऐतिहासिक कहानी ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा में पूछा जाता है नेट जर की परीक्षा में तो खासकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो यह कौन सी कहानी है प्रथम ऐतिहासिक कहानी कहानी कौन सी है राखी बंद भाई है ठीक है ना और भी किताबों में आपको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन जो है सही क्या हमारा राखी बंद भाई है ठीक है ना राखी बंद भाई ठीक है ना और ये कब की रचना है नौ की रचना है ठीक है ना 1909 सौ नौ ईस्वी की यह रचना है ठीक है ना और यह लिखा किसने है वृंदावन लाल वर्मा ने वृंदावन लाल वर्मा ने इसको लिखा है ठीक है ना तो ये महत्वपूर्ण बातें जो हमको जाननी जाननी थी प्रथम कहानी के विषय में तो वो हमने यहाँ पर देख ली हैं बाकी और भी बहुत सारी साहित्य की क्लासेज आपको मिल जाएंगी व्याकरण की क्लासेज आपको मिल जाएंगी उन सभी को प्ले में ज़रूर देखेगा बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद